यस गुड मॉर्निंग बेटा। फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे सी पलता वाला प्यारा सिंह। ठीक है, भाव की दस सी कि प्यारा सिंह का नाम दे नाल बलदा वाला क्यों लगे है, क्यों लगे है बेटा ने चैप्टर नाल, क्योंकि वो अपने बलदा ने नाल बहुत ज्यादा प्यार करता सी। इस करके जो चैप्टर का नाम है बलदा वाला प्यारा सिंह। प्यारा सिंह के नाम दे नाल क्यों लगाते हैं बलदा सिंह, क्योंकि बेटा अपने बलदा दे नाल बहुत ज्यादा प्यार करता सी। जिस तरह अपने धी दे पुत्तर दा ख्याल रखता सी, उसी तरह अपनियां फसलां दा ख्याल रखता सी, बलदा दा अपने जानवरां दा ख्याल रखता सी। प्यारा सिंह बेटा सवेरे रोज मॉर्निंग जदों भाई जी दी आवाज, भाई जी गुरुद्वारे, ठीक है, दी आवाज आंदी तां 4 बजे सवेरे सवेरे उठ जांदा, इशनान करदा। इशनान करन लगे बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाम जपदा, भाव कि उह परमात्मा दा नाम भी लैंदा सी, एक चंगा इंसान सी। उस तो बाद बेटा उस तो बाद की करता, सब तो पहला पशुआं नू, ठीक है, खुरली दे विच, ठीक है, जिते पट्ठे पाए हुंदे जगह हाथ मार के उन्होंने पट्ठे खवाउंदा, ठीक है, भाव कि उन्होंने बड़ा ख्याल रखता सी। इस करके वो जानवर सन, बलद सन, गां सन, बड़े नवे नरोए सन, भाव कि उन्होंने शरीर जिहड़ा कि सी बड़ा तकड़ा सी। ते प्यारा सिंह बेटा कुदरती खेती दे विच नैचुरल तरीके नाल, ठीक है, अपने हथां नाल तैयार कीती खाद दे नाल खेतीबाड़ी करदा सी। इसलिए बेटा जिहड़े उहने अपने खेतां दे विच फसलां बीजियां होईयां सन, या छोटी जिही खत्ती दे विच सब्जियां बीजियां होईयां सन, फल बीजे सन, पिंड दे आस पास दे कुछ लोग खरीद के लैके जांदे। क्यों लैके जांदे सी, क्योंकि बेटा उह रसायनिक खादां दी वरतों नहीं करदा। बेटा तुहानूं वी पता है कि अजकल जिहड़ी सब्जियां या फ्रूट्स जिहड़े पैदा हुंदे है कैमिकल्स दे नाल पैदा हुंदे है, कई तरह दी रसायनिक खादां पाई जांदियां है, उन्होंने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिस करके सब्जियां जिहड़ियां कि है जल्दी पैदा हो जाती है, पर जिहड़ियां वो सब्जियां असीं फल खाते हाँ उन्होंने नाल साडे शरीर नूं नुकसान हुंदा है। ठीक है, इसलिए प्यारा सिंह जिहड़ा किसी कुदरती ढंग नाल कुदरती खेती करता सी, रसायनिक खादा की वरतों नहीं करता सी। उहदी पत्नी धन कौर, उहदी पत्नी का की नाम है धन कौर, ते पुत्र नाम प्रीतम, ठीक है, दोनों कहते सन कि वो खेतीबाड़ी दे विच रसायनिक खादा की वरतों करिया करे, ट्रैक्टर की वरतों करे, ता कि वो उन्हें भी ज्यादा फायदा हो। पर उन्होंने कहता कि मैनू कोई लालच नहीं है, मैं इन्हां चीजा की वरतों नहीं करनी। ते दसी मैनू किसका लालच सी, क्योंकि उन्हें कहना उन्होंने एक कुड़ी सी, एक पुत्र सी, वो अपनी धी का विआह सादे जे ढंग नाल करना चाहता सी। तो धी ने की पास किया होया सी, ETT पास की हुई सी, ते पुत्र का विआह भी वह सादे ढंग नाल, ना कोई दाज लेना चाहता सी, ना ही धी दे विआह ते दाज देना चाहता सी। इसलिए अपनी पत्नी दे कहन दे बावजूद भी उन्हें कभी भी रसायनिक खादा की कोई लालच नहीं किया, ना ही ट्रैक्टर की या ट्यूबवैल की वरतों की। इस तो इलावा बेटा उन्हें उन्हें उहदी छोटी जी खत्ती है, वर्ड खत्ती वर्ड आया, ठीक है, छोटे जे हिस्से दे विच उन्हें सब्जियां बीजियां होईयां सन, उहदी खेती बाड़ी की इतनी ज्यादा प्रशंसा हो गई आले दुआले के पिंडा दे विच कि खेती विभाग महकमे दे, ठीक है, खेतीबाड़ी महकमे के लोग उन्होंने घर आए, सरपंच ने उन्होंने घर आके दसिया कि तुहाडे तो खेतीबाड़ी महकमे के जिहड़े लोग है बहुत ज्यादा, ठीक है, खुश हन, तुहाडी खेतीबाड़ी की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है, तुसीं जिहड़ी कुदरती ढंग नाल खेती करते हो, तो उन्होंने तुहानूं इनाम देण भी आना है, ते तुसीं पिंड के आस पास के किसानों को किस तरह अपनी खेतीबाड़ी करते हो तुसीं उन्होंने सिखाना है, भाव कि उहदी मेहनत रंग लैके उहनूं बहुत ज्यादा खुशी होई कि उहदी खेतीबाड़ी की इन्नी ज्यादा प्रशंसा होने लग गई कि उहनूं इनाम मिलना है। क्लियर है बेटा सब नूं? चैप्टर हुण असीं चैप्टर रीडिंग करांगे, एक पेज आपां रीड कर चुके सी, सैकेंड पेज आपां रीड करना है। ओके बेटा, ये सैकेंड पेज। फर्स्ट पेज असीं कर चुके हैं ना बेटा, सेकंड पेज आपां रीड करना है। आ देखो बेटा तस्वीर दे विच, आ देखो बलदा वाला प्यारा सिंह है, बलद है, कि बलद, ठीक है, उन्हें बलदा नूं की है जोड़िया होया, ठीक है, तो यह की है प्यारा सिंह जी, उन्होंने एक पिक्चर बनाई है कि उस दे थले बारे देखो, देख थलो की खेतीबाड़ी है, भाव कि वह किहदे नाल खेतीबाड़ी करता सी, किहदे नाल खेतीबाड़ी करता सी, बलदा दे नाल, ठीक है, अपने हत्थां दे नाल जिहड़ी खेतीबाड़ी करता सी। नेक्स्ट पेज है, सेकेंड पेज भी आप रीड कर चुके हैं, कल एक से इतने से उन्हें
खूह दे नाल ही छोटी जी खत्ती दे विच प्यारा सिंह ने घर परिवार दे लई सब्जियां बीजियां होईयां सन। तो उन्हें की किया सी घर परिवार दे लई की बीजियां होईयां सन, सब्जियां बीजियां होईयां सन। उन्हें की किया होया सी घर परिवार लई सब्जियां बीजियां होईयां सन खत्ती दे विच। एवरमास क्वेश्चन आंदा होंदा किथे सब्जियां बीजियां सन उन्हें, खत्ती दे विच। हाजरी खा के, हाजरी मतलब रोटी खा के प्यारा सिंह अपने काम ते चला जांदा। धन कौर, धन कौर की दा नाम है उहदी पत्नी दा, पशुआं लई पट्ठे वड्डन लग जांदी। पट्ठे वड्डन तो बाद सब्जियां की देखभाल करदी उहदी पत्नी, किसकी देखभाल करदी सब्जियां की। फिर ताजी सब्जी तोड़ के घर नूं मुड़ आउंदी, ठीक है, फ्रैश सब्जी लैके आउंदी। पिंड विच ट्रैक्टर आए खेतां नूं बीजण लई, पिंड विच ट्रैक्टर आए खेतां नूं बीजण गुज्जण ते वाढी करन लई मशीनां वी आ गईआं। प्यारा सिंह नगौर तो कितों लैके आया सी बलदा जोड़ी, नगौर एक शहर का नाम है, ठीक है। वन मास क्वेश्चन है कितों लैके आया सी, नगौर तो, नगौर तो बलदा की जोड़ी लैके आया। हर रोज सवेरे 5 बजे, किन्ने बजे, 5 बजे प्यारा सिंह दे बलद गल पाइया टलियां टुनर टुनर कर दिया। किन्ने बजे, 5 बजे। उसका मन मोह लेंदे, उस बहुत ज्यादा बेटा खुशी होंगी। वो दब के वाह ते रज के खा वाली खेती विच यकीन रखता, केड़ी खेती विच यकीन रखता सी, अंडरलाइन करो, दब के वाह, दब के वाह ते रज के खा वाली खेती दे विच की रखता सी, यकीन रखता सी। उहदी एक दिन दुपहर दी रोटी खान तो बाद धन कौर कहन लगी, भलिया लोका तू भी खेती विच फार्मी खाद पा, नवे बीज पा, आपा भी ट्रैक्टर वाले बने। उहदी पत्नी ने की किया कि तू भी खेतां दे विच की पा, फार्मी खाद पा, ठीक है, कि असीं भी जिहड़ा की ए ट्रैक्टर वाले बनीए, सानूं भी बहुत ज्यादा फायदा होवे। 12वीं जमात विच पढ़दा उहदा पुत्र, किन्नवीं जमात च पढ़दा सी, 12वीं जमात, ते धी ने ETT पास कर ली सी। धी ने की पास कर लिया सी, धी ने ETT पास कर ली सी। उहदे लई कोई चंगा मुंडा देखांगे, ठीक है, उन्हें की किया उहदे लई की देखांगे, कोई चंगा मुंडा देखांगे, चंगा रिश्तो ताहीं मिलू जे घर विच, ठीक है। उन्हें गल अपनी पूरी नहीं की, डैश डैश डैश, उन्हें गल मतलब कि जे सानूं चंगा मुंडा ताहीं मिलेगा जे साडे घर दे वी ट्रैक्टर होणगे, धन दौलत होएगी। धन कौर ने अजे गल पूरी नहीं कीती सी कि प्यारा सिंह बोल पिया, बस धन कौरे बस कर, भला तेरे घर विच कादी घाट, आ पहलां तां मैं तेरा भुलेखा दूर करां, कुड़ी दा तां मैं सिद्धा सादा विआह करना। उहने की किया सी कुड़ी दा किस ढंग नाल विआह करना है बेटा, सिद्धे सादे ढंग नाल। ते मुंडे दे विआह ते आपां कुछ लैणा नहीं, उहने की किया सी मुंडे दे विआह ते कुछ भी नहीं लैणा। ते दूजी गल, अपनी थोड़ी खेती अजे बलदा नाल ही चली जांदी है, मैं लोकां वां देखो देखी, देखी क्या कि मैं लोकां दे वांग देखो देखी अडियां चुक चुक के फाहा नहीं लैणा, ठीक है, भाव की यानी मैं कर्जा चुक के कर्जे भी डुब जावा, समान खरीद लियावा ट्रैक्टर ट्यूबवैल, कर्जे दे लई मशीनी ते पैसे चुक के ब्याह करन वालिया दा हाल सब नूं पता की हुंदा है। लै मैं तां नहीं कहिंदी, मैनूं तां किन्ने कहा उहदी पत्नी ने, मैनू तो अपना प्रीतम कहिंदा सी। प्रीतम कौन है बेटा, दे विच इहदा लड़का है बेटा प्रीतम, धन कौर दा ते प्यारा सिंह दा। आखे बापू नूं तू कह मैं तां दिन भी दो वेले खेती आउंदी हाँ, काम करन, काम करदे रहो तां देह नरोई आउंदी है। देह दा की मीनिंग है बेटा, शरीर, ठीक है, देह दा शरीर, नरोई मतलब तंदुरुस्त रहने आ, जे असीं काम करदे रहांगे ते तंदुरुस्त रहांगे। वेले बंदे नूं तां 100 बीमारियां लगदियां, जे असीं वेले रहांगे तां बीमारियां लग जाणगियां। धन कौर ने अपने पुत्र दे मन दी गल प्यारा सिंह नूं कह सुनाई, ठीक है, किन्ने किहदी गल कह सुनाई सी, अपने पुत्र दी। पर प्यारा सिंह ने स्पष्ट ही कह दिता, धन कौरे मैं तां जद तक नैन प्राण काम करदे आं, नैन प्राण भाव कि जद तक मेरे शरीर दे विच जान है, हिम्मत है, तद तक मैं कुदरती ढंग नाल खेती करूंगा। किहड़े ढंग नाल बेटा, कुदरती ढंग नाल, अपने हत्थां नाल तैयार कीती खाद नाल। तैनूं तां पता है अद्धे पिंड दे लोक खाण लई
कनक मक्की ते मूंगी, केड़ी केड़ी चीजां कनक मक्की ते मूंगी उहदे कोलों लै के जांदे हन। लोकां नूं तां पता कि असीं खेतां विच देसी रूड़ी खाद दी केड़ी खाद पाउंदे आ बेटा, देसी रूड़ी खाद, केड़ी खाद है देसी रूड़ी खाद दी वरतों करदे हां, तां ही तां फसलां ते कोई भी दवा ते कोई भी दवाई नहीं छिड़कदे। मैं तां सब नूं कहना तुसी भी देसी खाद नाल फसलां तैयार करो। धन कुरे जे वाहवाही समय सिर हो जाए, वाहवाही समय सिर हो जाए तां खेतां विच नदीन हुंदा ही है, नदीन मतलब कीड़े, जे हो भी जाए तां इक अद्धी गोडी कर लो। धन कौर नाल गल्लां करदे करदे प्यारा सिंह मोढे ते कही रख के खेत नूं चल पिया। प्यारा सिंह अपनी धुन दा पक्का सी, अपने ठीक है अपने इरादे दा, धुन मतलब अपने इरादे दा की सी ओ पक्का सी। खेती नूं तां ओ पूजदा सी, खेती नूं की करदा सी पूजदा सी, रब दा दर्जा दिंदा सी। कई वार ओ आखदा धरती साडी मां है, धरती नूं की कहिंदा सी मां, जिन्नी सेवा करोगे ओना ही फल दिंदी है। ओ सूरज दी टिक्की, बाकी सूरज दी टिक्की छुपन सार ही बलदां दे गल विचों पंजाली ला दिंदा, ठीक है जदों सूरज दी टिक्की छुप जांदी तां बाकी नूं फ्री कर दिंदा बलदां नूं। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਡੱਬੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚਲਾਨੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੁੱਧਾ, ਬੇਟੀ ਪਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਾਲ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰਦੀ ਪਾਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਲੀਆਂ, ਲੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨੀ ਛਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਗ ਸੱਤੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਕੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸਰਪੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਬਹਿਣਾ ਨੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਢੰਗ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਦੀਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਂਝਰੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਸਾਂਝੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮੈਮ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹਰਜੀਤ। ਹਰਜੀਤ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ, ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ। ਯੈਸ 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 ਬਾਣੀ, ਬੇਟਾ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਾਣੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਯੈਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਵਿਆ। ਭਵਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਨਿਤਿਆ, ਯੈਸ ਨਿਤਿਆ ਬੇਟਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ? ਯੈਸ ਭਵਿਆ, ਸੁਣਾਓਗੇ ਬੇਟਾ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਭਵਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਖਿਆਲ ਸੀ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਾਚੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ? ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਨਗੋਰੀ ਬਲਦਾ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ?
दो मज्जा गां ते बलदा दी जोड़ी ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्यारा सिंह बलदा दी जोड़ी कितों लेके आया सी। यस बेटा नव्या नव्या यस सुहाना बेटा सुहाना अनम्यूट योरसेल्फ। प्यारा सिंह दे पुत्र ने धी दा की नाम सी। यस बेटा प्यारा सिंह दे पुत्र दा नाम प्रीतम सी ते धी दा नाम पाल सी। हां वेरी गुड पुत्र प्रीतम ते धी दा नाम की सी पाल। ठीक है पुत्र दा की नाम सी प्रीतम ते धी दा पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यस बेटा हरजीत हरजीत प्यारा सिंह अपनी धी दा विवाह सीधे तरीके नाल करना चाहंदा सी। यस सादे जी ढंग नाल करना चाहंदा सी वेरी गुड। यस नेक्स्ट देखो प्यारा सिंह किस चीज का पक्का सी। किस गल का या किस चीज का पक्का सी। नेक्स्ट प्यारा सिंह अपने खेतां विच केड़ी खाद दी वरतों करदा सी। केड़ी खाद दी वरतों करदा सी। यस बेटा नाइंथ क्वेश्चन यस बेटा कृष्णा कृष्णा मैम मैम प्यारा सिंह बिना मशीना दे काम कीते ते इस चंगी खाद पाके इस गल दा पक्का सी। हां नहीं बेटा पेज नंबर 24 ते पढ़या है। यस भव्या ओ तुन दा पक्का सी। यस वेरी गुड बेटा भव्या। यस बेटा प्यार इसलिए कहना प्यार ना चैप्टर सुनने हैं वन मार्क्स क्वेश्चन आने। प्यारा सिंह किस गल का पक्का सी अपनी धुन का धुन का पक्का सी। ठीक है बाकी अपने इरादे का पक्का सी जो ठान लेंदा सी वो करके रहंदा सी। ठीक है बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा सिंह अपने खेतों दे विच केड़ी खाद दी वरतों करता सी। यस बेटा मिस्टी यस बेटा यस यस बेटा ऋषिता ऋषिता यस मैम प्यारा सिंह अपने खेतों विच कुदरती खाद दी वरतों करदा सी। यस केड़ी खाद दी वरतों करदा सी कुदरती खाद दी वरतों करदा सी। वेरी गुड बेटा क्लियर है बेटा सब नू क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी कोई डाउट होवे देन प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है हुन बेटा असि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करांगे। ए वाले क्वेश्चन बेटा तुसी अपनी फेयर नोटबुक ते करने एक दो शब्दां दे विच। यस हर्षिया हर्षिया यस बेटा हर्षिया मैम यस मैम जो लास्ट रूल है उसका अंदर आंसर कुदरती खाद है कि देसी रूड़ी खाद। देसी रूड़ी खाद देसी रूड़ी खाद ठीक है देसी रूड़ी खाद ठीक है ओके यस यस
ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਯੈਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਬੇਟਾ यस मैम प्यारा सिंह का नितनेम सी कि ओह सवेरे चार बजे उठदा सी ते पशुआं नू पठे पाउंदा सी फिर पानी भरदा सी फिर वाहे गुरु बोलदा इशनान करन लग जांदा सी ओह फिर खेतां नू जाके खाना खांदा सी खाना खांदा वेरी गुड बेटा प्रेरणा ठीक है नितनेम दा मीनिंग हुंदा डेली आप डेली केड़ा काम करते हैं मतलब जो करना ही करना है नितनेम ठीक है रोजाना नितनेम की सी पेज नंबर 22 ते ये फर्स्ट पैरे दे विच नितनेम की सी उस सवेरे चार बजे उठता सी ठीक है उठ के इशनान करदे वाहिगुरु दा पहला नाम जपदा सी उस तो बाद बेटा वो पशुआं नू जाके पठे खवांदा ठीक है पशुआं नू जाके करदा सी पठे खवांदा फिर बेटा वो अपनी वोटी नू आवाज मारदा अते उसकी वोटी उस लई दसी लेके आ जाती है यस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्यारा सिंह हर रोज सवक्ते खेता भी जाके ही करदा सवक्ते मतलब अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे जाके वो खेता च की करदा सी यस कनम बेटा कनम प्यारा सिंह हर रोज सवक्ते खेता विच जाके यस राती बनाई हुई स्कीम अनुसार खेतां में जाके अपना काम विड लेंदा हल जोड़ना ओ खेतां में जाके हल जोड़दा ते ओथे ही हाजरी खेत विच ही खांदा सी यस वेरी गुड ठीक है प्यारा सिंह की कदा सी सेकंड क्वेश्चन है प्यारा सिंह हर उस वक्त खेतां जी जाके की कदा सी सब तो पहला तो उस वक्त जाके बलदा नु जोड़दा सी किनु जोड़दा सी ओ बलदा नु जोड़दा सी बलदा दी जोड़ी नु जोड़दा सी ठीक है उस तो बाद फिर राती पहला ही ए बारे राती स्कीम बना दिता ठीक है पहला ही राती बनाई स्कीम दार फिर इसने खेता भी चला जाता बलदा की जोड़ी नू जाके जोड़दा ठीक है उस तो बाद फिर वो बेटा की करता सी काम करन लग पैंदा उस तो बाद की करता सी वो काम करन लग पैंदा फिर उस तो बाद बेटा ठीक है वो फसलों का ठीक है बड़ा ध्यान रखता सी और फसल के हर वट बन्ने ते जाके गेड़ा मारदा उसकी देखभाल करता सी क्लियर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा सिंह ने केड़े ढंग तरीके अपने बापू तो सीखे सन केड़े तरीके सीखे सन बेटा अपने यस कृष्णा यस बेटा मैम प्यारा सिंह ने अपने बापू को कुदरती खाद बनाना ते देसी रूड़ी खार बनाना ठीक है फसलों की देखभाल किस तरह करनी जानवरों का किस तरह ख्याल रखना है बलदा का किस तरह ख्याल रखना है इस सारे काम उन्हें अपने बापू दीदारा सिंह तो सीखे सन इस तो इलावा उहदा बापू और की कहिंदा सी कि फसलों का ध्यान अपने धियां पुत्तां तो भी वध रखी दा है वेरी गुड नेक्स्ट है प्यारा सिंह नूं किसी भी चीज की तंगी तुरशी नहीं सी दसो किवें यस बेटा प्यारा सिंह नूं किसी भी गल की कोई तंगी नहीं सी कोई किस दसो यस सुहाना बेटा प्यारा सिंह नूं किसी भी चीज की तंगी तुरशी नहीं सी दुध पुत्त ते धी उसदे घर सन दो मज्जां एक गां ते नगोरे बलदा जोड़ी नाल ओह अपना घर हरिया भरिया समझदा सी सवेरे साजरे खेतां विच जा के ओह कम शुरू कर देंदा अते दुपहर की रोटी तक डट के कम करदा सूरज की टिक्की चढ़दी नाल तन कौर उसकी हाजरी लैके आ जाती किसी भी गल की तंगी तुशी कोई नहीं सी क्योंकि उसके घर दुध भी सी भाव की गावां मज्जां सन तो जिस तो दुध मिल जाता है उसके घर पुत्र भी सी धी भी सी ठीक है इस तो इलावा दो एक बलदा की जोड़ी गां ठीक है उसके घर सन खेती बाड़ी और जो फसल है
ठीक है, सब्जियां उन्हें अपनी छोटी जी खत्ती विच बीजी हुई है सर, किस प्रकार दे कर किसी भी गल की तंगी तुशी नहीं सी। क्लियर है बेटा, सब नूं टाइम हो गया, जिन्हें भी वन मार्क्स क्वेश्चन करवाए है ते एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सर बेटा अपनी फेयर नोटबुक ते कर रहे, ओके। और बेटा जिन्हें बच्चों ने होलीडे होमवर्क सेंड नहीं किया पुत्र प्लीज अल सेंड कर दो, मार्क्स एड होने हैं, जे लेट होमवर्क भेजोगे तो मार्क्स नहीं मिलने, ओके बेटा, ओके बाय बाय बेटा।